बेटी अपने अपने असली पिता के पास रहेगी, उनका नाम उसे मिलेगा, वो बहुत खुश रहेगी ना होने, बहुत खुश रहेगी। पहले मित्तल ने एक गलती की थी, इतना बड़ा सबूत हाथ में होते हुए भी इसकी कॉपीज नहीं बनी। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। इस सीडी की कॉपी बनाकर अपने पास रखूंगी और इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। अब अर्जुन, ओवी, पूर्वी और ओनी, चारों की जिंदगी की डोर मेरे हाथ में। अब मैं जो चाहूंगी वैसा ही होगा। अरे पूर्वी, आना अंदर। आज ही मैं अकेली नहीं आई हूं। तो मेरे साथ कोई और भी है। कौन है बेटा? बाबा वो कोई अपना ही है जो इस घर में रह के हमारे साथ आई के लिए प्रार्थना करेगा। अरे बुला ना उसे अंदर। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? बाबा मैं ही नहीं आ लाई हूं। तू लाई ऐसे यहां क्यों? जिस आदमी की वजह से आज अर्चना कोमा में है, उस आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मनो बेटा शांत हो जा। कहिए बाबा इससे यहां से चला जाए, वरना आज मैं कुछ कर बैठूंगा। तेरी इस हरकत से बहुत नाराज हूं मैं। पापा लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें सोमदास को कम से कम एक मौका तो देना चाहिए? कोई मौका नहीं मिलेगा उसे। उसकी तरफदारी करके ना तो सिर्फ तू अपने परिवार के खिलाफ जा रही है बल्कि अर्चना के साथ अन्याय भी कर रही है। मैंने कह दिया ये लड़का अब इस घर में कभी नहीं आएगा। फिर से कह रहा हूं इस लड़के के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सोहम, सोहम तू यहां तू कैसा है? भाई हम कितना ढूंढा तो रखो और बड़ी मुश्किल से पता चला कि तू यहां रहा था। लेकिन तू जेल से तू पहले अंदर चल चल। अरे भाई हमको एक तो बात बता, तू यहाँ ये घर में आ तो गई है लेकिन तेरा गुजारा कैसे हो पता? सोहम हमें नौकरी मिल गई है। क्या बात कर रही है भाई, तेरे को पता है हमने भी एक तो जगह नौकरी की अर्जी दी है, हमको मिलने जाना है आज। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई नौकरी से तोरा ने इतनी जल्दी जमानत के पैसे इकट्ठा भी कर लिए? हमने नहीं, हमने तेरी जमानत नहीं करवाई बल्कि हम तो तुझसे पूछने वाले थे तेरी जमानत किसने करवाई। भाई हमें समझ नहीं आ रहा है अगर कि अगर तूने हमारी जमानत नहीं करवाई कौन करवाया है?